नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर ऑल वेल। अ स्पेशल हेलो टू माय ऑफिशियल चैनल मेंबर्स शिवांक, किंजल, सनी, विनय, विवेक एंड शौंदी, लव यू ऑल। जैसे कि आप सुन सकते हो, टीम की छत पर बारिश हो रही है और दोस्तों 4-5 दिन हो गए वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि काफी बिजी रहा हूँ इधर लैंडाउ में, तो सोचा आपको एक अपडेट दे दूं। एक तो बारिश फाइनली शुरू हुई है काफी दिन बाद, और इस बीच फाइनली हमारे लैंडाउ वाले कॉटेज पे फेज 3 बिजली कनेक्शन, वाईफाई और जनरेटर लग चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि जेमी भाई ने अब तक ये सब लगाया नहीं था क्या, और क्या भाई के स्टेट पे केयरटेकर्स नहीं है? हैं, जरूर हैं, मगर कुछ काम है जो सिर्फ मेरे आने से या मेरे अंकल के आने से, जिनकी ये सामने वाली कोठी है, वो हो जाए। क्योंकि केयरटेकर्स जितना भी पीछे पड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के, टेक्नीशियंस के, इलेक्ट्रिशियंस के, काम तब होता है जब कोई यहाँ आपके पर्सनली काम ओवरसी करे। सिस्टम ऐसा मानना पड़ता है। दरअसल 2016-17 के बाद जब मैंने नोएडा में बैठे इधर के कुछ गोदाम्स को रूम्स में कन्वर्ट किए, तो मैंने सीखा कि रिमोटली आप पहाड़ों में कुछ भी ढंग का काम नहीं करा सकते। भले ही कॉन्ट्रैक्टर कितना अच्छा हो, मटेरियल्स जितने अच्छे हो, आप खुद क्यों ना जाके देहरादून जाके मटेरियल्स खरीदें, आप जितनी भी इन्वॉल्वमेंट रखें डिजाइन में, बट अगर आप फिजिकली यहां लैंडाउ में नहीं हो तो काम नहीं हो। तो इस बार जब June 29th को फैमिली के साथ मैं वापस लैंडाउ आया 10 महीने के बाद, तो मैंने अपने लोकल दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स के सहारे कुछ पेंडिंग काम शुरू कराया। कुछ साल पहले 2 नए अपार्टमेंट्स बनाने के बाद हमें फेज 3 बिजली के लिए अप्लाई करना था। एप्लीकेशन दे दिया मैंने पिछले महीने, जैसे कि एक ब्लॉग में आपको बताया मैंने, मगर उस दिन के बाद से 12-13 दिन लगे काम कंप्लीट होने में, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में काम करने का स्पीड अलग ही है। और बीच में बारिश हुई तो इंटरनेट फाइबर केबल को ऊपर से मेन रोड से यहाँ नीचे हमारे घर तक लाने में दिक्कत हुई। ऊपर से इलेक्ट्रिशियंस, टेक्नीशियंस के पास काम ज्यादा होता है समर और मानसून के समय, जब शहर से लोग आते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि इतनी दूर हमारे स्टेट तक आना आसान नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली लैंडाउ की एक तरफ पे है, फिजिकली द लास्ट हाउस ऑन दिस साइड ऑफ द हिल्स। खैर, काम तो हो गया किसी ना किसी तरह। मेरे बचपन का यार विनोद, जो एक स्किल्ड टेक्नीशियन है यहाँ लैंडाउ में और जो बहुत काम देखता है, उसके हेल्प से काम शुरू हुआ। एक और दोस्त मुकेश, जो कुछ भी कर सकता है अकेले मसूरी में, उसने भी हेल्प की। कुछ लोकल ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स ने भी एडवाइस दी, ताशी, सिद्धार्थ, अनिल प्रकाश जी, जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और जो फ्रस्ट्रेट भी हुए। तो हाँ, June 29th से प्रोसेस शुरू हुआ और फाइनली कल July 18th को 3-phase बिजली लग गया, वाईफाई लग गया और जनरेटर का काम पूरा हो गया। इससे पहले लैंडाउ से जो भी वीडियोस मेहा और मैंने अपलोड किए, वो सामने अंकल के घर से किए, जहां पे रिलायबल वाईफाई और पावर बैकअप है। मगर अब हम अपने कॉटेज से काम कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर कनेक्शन लग चुका है। कल शाम को कनेक्शन लगने के कुछ ही घंटे बाद मैं अंदर कॉटेज में बैठ के अपनी रेडियो क्रिकेट कमेंट्री डेब्यू किया मैंने एक क्लाइंट के लिए, इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडिया, जो कि बहुत एक सरील सा फीलिंग दिया मुझे और मेहा को, क्योंकि कल से पहले इस कॉटेज में वाईफाई दूर, जियो के सिग्नल तक नहीं आते थे, इतना रिमोट जगह है हमारे कॉटेज। बल्कि थोड़ा सैड भी लगा मेहा और मुझे कि कल से पहले बिना वाईफाई के हम मजबूर थे बुक्स पढ़ने के लिए, ऊनो और स्क्रैबल खेलने के लिए, पर अब हमारे फिंगर टिप्स पर बिल्कुल सिटी लाइफ के जैसे सोशल मीडिया, गूगल और सारे एप्स एक्सेसिबल है। ठीक है, अगर नोएडा से यहाँ लैंडा और शिफ्ट होना है तो वाईफाई चाहिए हमें, मगर थोड़ा अजीब भी लगा। खैर, इस सब की जरूरत थी हमें और मैं बहुत रिलीव्ड हूँ कि फाइनली काम हो गया। अब 2 दिन की बारिश और बीच में इन सब काम के कारण हम बाहर नहीं घूम सके, बट करेंगे फिर से ब्लॉग्स आपके लिए जैसे ही मौका मिले। बाकी चलता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद, वंदे मातरम।